नमस्कार, मैं योगेश चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर में सराफा कारोबारी और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर 5 दिन से जारी आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। देर रात तक ये कार्रवाई चली। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने 25 करोड़ के कीमती सामान और कैश जब्त किए। कारोबारी पर टैक्स चोरी का आरोप है। वहीं बांदा में एक नाबालिग लड़की अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ फरार हो गई। लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया उनकी बेटी घर में रखा कैश और जेवर लेकर भागी है। पड़ोस में रहने वाला युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। साथ ही प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच कौशाम्बी के थाना कोतवाली के सदमा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान एक बदमाश गुफरान को गोली लगी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बदमाश की पहचान कुख्यात अपराधी गुफरान पुत्र आजाद प्रतापगढ़ के तौर पर हुई। साथ ही गाजियाबाद के खोंडा इलाके में 2 डॉक्टरों ने इलाज के बहाने एक महिला मरीज से गैंगरेप किया, साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। महिला को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल 1 डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आगरा परिवार परामर्श केंद्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने पति के सामने अजीब शर्त रखी। युवती ने पति के सामने शर्त रखते हुए कहा कि उसे अपने पिता या पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। पति ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने पिता को चुना। साथ ही समाजवादी पार्टी ने सोमवार को आजमगढ़ को लेकर बड़ी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी और युवाओं को मौका दिए जाने की मांग उठाई। इस बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से प्रत्याशी के लिए शिवपाल यादव का नाम एक मत से आगे किया है। साथ ही पुलिस ने आयुष हत्याकांड में अकील अंसारी की तलाश शुरू की तो पता चला कि अगले दिन अकील अंसारी को कृष्णानगर पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिस आरोपी की तलाश एसएसपी की स्वाइट टीम से लेकर क्राइम ब्रांच और ठाकुरगंज पुलिस तलाश रही थी, उसे कृष्णानगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर चुपचाप जेल भेज दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को कार से बाहर निकाला गया। इसके बाद साथ ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को बाहर निकलवाया। साथ ही बाराबंकी के मोहिरपुरवा मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला पिछले 10 दिन से अपने नाती की लाश के साथ रह रही थी। पड़ोसियों को बदबू आई तो उन्हें शक हुआ और फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही मेरठ की कमिश्नर का लापता हुआ कुत्ता आखिरकार मिल ही गया। पुलिस उसे पिछले 20 घंटे से ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर सोमवार शाम एक शख्स कुत्ते को लेकर कमिश्नर के घर पहुंचा। उसने बताया कि यह डॉगी चौराहे पर घूम रहा था। साथ ही यूपीएसटीएफ ने लखनऊ के मध्यगंज गोमती नगर विस्तार और गाजीपुर से जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनका सरगना जौनपुर में तैनात लेखपाल कमलेश कुमार यादव था। एसटीएफ ने कमलेश कुमार यादव को भी गोमती नगर विस्तार से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कमलेश यादव ने ही लखनऊ के गाजीपुर से पकड़े गए परीक्षार्थी मनोज यादव और कमलेश यादव के अलावा मध्यगंज से पकड़े गए राहुल यादव को ब्लूटूथ कनेक्टेड एक डिवाइस दी थी। साथ ही अतीक अहमद की बहन ने उसकी और अशरफ की हत्या के अलावा असद के एनकाउंटर का मामला में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उसने इन हत्याओं की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा यूपी में हो रहे एनकाउंटरों को लेकर भी यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं।
इससे पहले एक वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन हत्याओं की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बचे कुचे दुर्दांत अपराधियों और माफियाओं को जल्द मिट्टी में मिलाने और ख़त्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक नया कानून लेकर आई है। प्रदेश में आम जनता की नींद उड़ाकर चैन की नींद सोने वाले अपराधियों को अब योगी सरकार 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कॉन्विक्शन लेकर आ रही है।